इसे तुम उठाओ, ये मेरे वश की नहीं है। अरे चुप कर, के करती रहती है। सुबह भाई तुम जाओ, मैं तुम्हें दूसरे नंबर पे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, अब हम कल सुबह मिलेंगे। ओके, निकलो। समझ गया भाई, चल निकल। जरा कुर्सी इधर कर। हाँ हाँ, इसे यहाँ रखता हूँ। बैठा बैठा, इसे बैठा। हाँ ठीक है, बैठा। लाओ इसे। चल बैठ, बैठा। रसीला जल्दी। अरे बांधना, कसकर बांध, जल्दी कर। हाँ, इसे बांध। हाँ, अरे कसकर बांध, जल्दी कर, फड़फड़ मत कर। तड़प रही है, तुझे कोई मारेगा नहीं। हाँ, रस्सी यहीं पर है। काम तू मत कर, फड़फड़ा मत, चुप कर, समझी? ये ऐसे नहीं मानेगी, चुप कर तू, चुप कर। पता नहीं ये बंगला किसका है। किसे पता, यहाँ का इंतजाम सुखदन ने किया, ये उसका एरिया है, उसी ने इस बंगले के बारे में मुझे बताया। किसी करोड़पति का होगा, वरना इस तरह खाली थोड़ी पड़ा होता। जो भी है, यहाँ सारी सुविधा है, पुलिस चाहे जितना भी खोज ले यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जाकर देखता हूँ। हाँ, ये मोमबत्ती लेकर जाओ, वरना अंधेरे में ठोकर खाके गिर पड़ोगे। Huh?
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कुछ तो बताओ, मत मारो, मत मारो, लगता है तुम पागल हो गए हो। अरे कुछ तो बोलो, अरे क्या हुआ बताओ, बस बहुत हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो तो। क्या हुआ? तुम हो क्या? मैं डर गया। ए? पानी ए? पानी पानी अग्नि शर्मा के बंदिश को तोड़कर तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। मेरे बंदिश को तोड़कर जिसने ये लकीर को लांघने की कोशिश की वो लोग अब तक जिंदा नहीं बचे, समझे? इसलिए कह रहा हूँ चला जा। नहीं, इसकी रक्षा किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से चला जा। Ha 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 ha
शास्त्री जी हमें बचा लीजिए शास्त्री जी। क्या हुआ शास्त्री जी? आनंद को भूत ने पकड़ लिया है। प्रेत कहाँ है? आनंद के शरीर में। हाँ सच कह रहे हैं। मैं उसके शरीर में उसे पहले देख चुका हूँ। उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा का वास है। मैं चलूंगा वहां। इसके बाद इसे पूर्ण तो कर दूं सर्व। सनित शरणम एकत दुष्ट अर्चनम। बस करिए, रुक जाइए शास्त्री जी, उसकी तकलीफ समझिए, ये मेरी विनती है आपसे। मैंने जब तुम्हें देखा था तभी जान गया तुमने किस शक्ति का आवाहन करके अपने वश में करके रखा है। वो तुम्हारा मित्र है लेकिन उसका कुछ कर्म बाकी है भी। शास्त्री जी, वो मुझ में से निकल गया है। देवनारायण की आत्मा का आवाहन मैंने अपने शरीर के अंदर किया था, मुझे उसकी जरूरत है। तुम यहां पर क्यों आए हो? तेरी आंखों के सामने आ जाकर खड़ा हूं तो उसका कारण क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो मेरा। अग्नि शर्मा से तुम्हें छुटकारा मैं दिलवा सकता हूं। वो तुमसे नहीं हो पाएगा। अग्नि शर्मा जैसे दुष्ट तांत्रिक से तुम मेरे अपनों को छुटकारा दिला पाओगे क्या? कई अच्छे अच्छे तांत्रिक भी उससे छुटकारा नहीं दिलवा पाए। मैं हूं ना, तुम्हें उस भेड़िया राक्षस के बंधन से मैं छुड़वाऊंगा। Ah!
उसकी आत्मा को मैंने अपने शरीर में जगा दी। मेरा अगला वार अग्नि शर्मा है। अग्नि शर्मा? हाँ, सारा खेल उसी बुरी शक्ति का रचा हुआ है। उसी की आत्मा को मैं बंदी बनाना चाहता था, लेकिन उसमें मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? इस बंगले के चारों तरफ रक्षक के रूप में चार दुष्ट आत्माओं को रखा है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन चारों का सर्वनाश किए बिना अग्नि शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चार रक्षक? जी शास्त्री जी, उन चारों का सर्वनाश आप ही कर सकते हैं। उन चारों के सर्वनाश के लिए ये दोनों साथ देंगे। और तुम? अग्नि शर्मा को दिशा भटकाकर यहां से बाहर निकालें, उनके सर्वनाश के बिना नहीं हो सकता। इसी तरह से उनके सबसे बड़े दुश्मन देव नारायण के प्यार लिया नाम की लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। अगर चारों रक्षकों को पता चल गया कि अग्नि शर्मा को नष्ट कर रहे हैं, तो वो रक्षक उससे मिलके उसकी शक्ति और बढ़ा देंगे। फिर देव नारायण और लिया को हम अग्नि शर्मा से मुक्ति नहीं दिलवा पाएंगे। उनको पहले आपकी मंत्र शक्ति से मिटा दें, अग्नि शर्मा को उसके बाद मिटाना आसान होगा। देव नारायण की आत्मा को मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा दूंगा, लेकिन उस लड़की के लिए लड़की कहां से लाएं? दिशा नाम की एक लड़की यहीं पर पीछे वाले कमरे में है। सारी आत्माएं उसके शरीर में स्थान ले चुकी हैं। वो लड़की अभी भी उसी कमरे में लेटी है। परंतु उसकी जान को खतरा है। क्या खतरा है? उसके शरीर से आत्माओं को निकालते समय चारों ओर से दूसरी आत्माएं हमला कर सकती हैं। उस समय अग्नि शर्मा को उसके शरीर से निकालकर बंदी बनाने में अगर नाकाम रहे तो ऐसी स्थिति में वो उसके शरीर को कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, यह मेरा वादा है। मेरा चैतन्य समागम और आपके तंत्र मंत्र की शक्ति एक साथ मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। सब कुछ शिव की दया से हो रहा है। अब तुम दोनों जाकर चारों दिशा के रक्षा कवच को खोद कर लाओ। जी शास्त्री जी। कहाँ होगा? उन्होंने कहा कि बंगले के कोने में होगा, तो यहां खोद कर देख। हाँ। बस इस तकलीफ को मैं और नहीं सह सकता। सर, तंत्र मंत्र से वश में होने वाली ऐसी ताकत नहीं है यहाँ पर, इसलिए शास्त्री जी के प्रयास से यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे शास्त्री जी पे पूरा भरोसा है। अब मैं आगे क्यों बोलूं, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भाई के बराबर शास्त्री जी को जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। बात करते हैं। जहां तक भाई का सवाल है, इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। दुष्ट आत्मा और ईश्वर के बीच होने वाला ये युद्ध कोई बुरा नहीं होगा। हमारा ये युद्ध होगा आत्माओं की शांति के लिए। मुझे लगता है सारी मुसीबत हल हो जाएगी, है ना शास्त्री जी? सब शंखनाद का खेल है। भले ही यहाँ मंत्रों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, अनुरूप कार्य करने वाला ईश्वर है। ईश्वर की दया से जो संभव होगा वही कार्य करने का मेरा प्रयास है। आप थक गए होंगे, घर जाइए। शुभ समाचार का इंतजार आप घर पर कीजिए, सब मंगल ही होगा। चलता हूं शास्त्री जी। आनंद, मैं अपना कार्य शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। मंत्र शक्ति चैतन्य का समागम एक साथ होगा। माफ कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, हमें देखने का शौक नहीं, नायम भूतों के फैन है। कर्म दोष है। शिव 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 शिव।
भैया देखते ना बंगले में क्या चल रहा है। देख यार, इस बंगले में जितने भी प्रेत आत्माएं हैं उसे आदि शास्त्री जी वश में कर लेंगे। अगर ऐसा मौका अपने भाई को मिल जाता तो बता रहा हूँ एक एक भूत की छुट्टी हो जाती। हमारे भाई का नाम खराब हो जाएगा। भाई शास्त्री ने तगड़ा सेटअप किया है। वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाई 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 अरे भाई आप जाके पकड़ लिया ना भाई, भाई को अकेले नहीं पकड़ सकता, ये भाई नहीं कोई और है। अरे बाप रे एक हाथ कुछ करना पड़ेगा। अरे बाप रे क्या हो रहा है, भाग जाते चलो। कहाँ होगा? उन्होंने कहा कि बंगले के कोने में होगा, तो यहाँ खोद कर देख। हाँ मिला। यहाँ कुछ नहीं है, लगता है कहीं और होगा। हाँ यहाँ खोद, यहाँ पर, यहाँ पर। जल्दी खोद खोद। खोदता रे खोदता रे। हाँ खोदता रे, सही है सही है। हाँ जल्दी कर, यही है। जल्दी हाथ चला। शास्त्री जी हाँ
शुभ संकेत। सब कुछ सफल हुआ, सब शिव की कृपा। दोनों जीते जी तो एक नहीं हो पाए, लेकिन आज दोनों आत्माओं को एक करने में सफल हुए। शास्त्री जी, लेकिन हमारा भाई? सब क्या? मैं जिंदा हूं। वो लड़की हाथ से चली गई तो क्या हुआ? देखो हमें क्या मिला है। चलो ये सब उठाते हैं। क्या हुआ? अब हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। हमारा? हाँ, आराम से, आराम से। हम लोग जिंदा है यार। हम सब मुसीबत से बच गए यार। चल उठा, उठा उठा वो उठा। सर, हम लोग ही मूर्ति चुरा कर लाए थे। तो फिर लड़की किडनैप किसने की? वो भी हमने ही किया था सर। सब कुछ हम लोगों ने ही किया है। क्या देख रहे हो? अरेस्ट कर लो सर।